हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्न हब। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, सो दैट आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। तो आज का जो मैट्रिक्स हम लोग सॉल्व करेंगे वो है, ए मान लीजिए मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है 1 1 7 एंड 1 -1 1 3 1 15। ये आज का हम लोगों का मैट्रिक्स है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग ये जो टर्म है पहले इसको जीरो करने के लिए सोचेंगे। अगर जब रैंक निकालना रहे इस वाले टर्म को पहले जीरो करने के लिए तो क्या करेंगे, अगर इसको रो वन को ला के इसमें माइनस कर देते हैं तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, आर टू में ऑपरेशन किया और R2 में जो ऑपरेशन किया है वो है R2 में R1 को घटा दिया। तो ये हो जाएगा, जब माइनस पहले वाले रो में कोई चेंज नहीं हुआ तो ये जैसा था वैसा लिख दिए और इसमें चेंज होगा। क्या किए, ये R2 है और ये R1 है तो इसमें हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं तो ये 1 में इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे माइनस 1 है और इस 1 को लाके माइनस करेंगे तो माइनस 1 और फिर ये माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 2। अब फिर हम लोग इसमें भी क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो ये 1 और ये माइनस 7 तो ये हो जाएगा माइनस 6। तो अब ये जो थर्ड रो है इसको हम लोग लिख देते हैं जैसा का तैसा। अब ये रो का फर्स्ट में हम लोग जीरो कर लिए, अब हम लोग इस रो को यहाँ पे जीरो करेंगे। तो इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें अगर घटा देते हैं तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आर थ्री में ऑपरेशन कर रहे हैं और आर थ्री में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 3 से आर वन को गुना करके, क्योंकि इस वाले रो को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं। तो ये हो जाएगा, पहले वाले में कोई चेंज नहीं होगा, दूसरे वाले में भी कोई चेंज नहीं होगा, ऑपरेशन हम लोग लगाए हैं तीसरे वाले में। तो ये टर्म 3 और इसको जब 3 से गुना करके घटाएंगे तो ये हो गया 0। फिर यहाँ पे 1 है और इसको जब 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3 और ये रहेगा प्लस 1 तो ये हो जाएगा फिर माइनस 2। फिर यहाँ पे 15 है और ये माइनस होगा यहाँ पे, तो इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और ये 21 होगा माइनस में और ये 15 यहाँ पे है प्लस में, तो प्लस 15 माइनस 21 तो बचेगा माइनस 6। तो ये हो गया इस रो का आउटपुट। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये दो रो समान है तो आप इसको इसमें माइनस कर दो तो ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट रैंक, यहाँ पे देख रहे हैं आप डिफरेंट जो रो निकला आपको दो तरह का निकला, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस मैट्रिक्स का आप यहाँ से भी रैंक दो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप आगे सॉल्व कीजिए। तब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस वाले रो थ्री को जीरो करने के लिए तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं आर थ्री में ऑपरेशन किए, आर थ्री माइनस आर टू। तो जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा, पहले वाले में कोई चेंज नहीं होगा, दूसरे वाले में भी कोई चेंज नहीं होगा, तीसरे वाले में जब इसको यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस जीरो में तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ माइनस टू है और ये माइनस टू, इसको चूंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस टू, तो माइनस टू और प्लस टू तो ये हो जाएगा जीरो। इसी तरह से ये वाला टर्म भी माइनस सिक्स है और इसको जब ला के इसमें माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस सिक्स और प्लस सिक्स ये हो जाएगा जीरो। तो ये हो गया हम लोगों का डिफरेंट रो। अब यहाँ पे हम लोगों को स्पष्ट लग रहा है दो है, इसीलिए रैंक हो गया, रैंक ऑफ ए इज 2। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का रैंक। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अब अगले वीडियो में। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को स्मार्ट लर्न हब को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, सो दैट आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से सबसे पहले अपडेट रहें। इससे अगला वीडियो मैं आप लोगों को 4x4 मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।